अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, ये देखो, देखा आपने कितना लग्जोरियस है। गुड आफ्टरनून एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। अभी मैं आ गया हूँ चेन्नई सेंट्रल। आपको ही पता है, अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो मैं था तिरुपति में। अफसोस मेरा दर्शन नहीं हो पाया, क्योंकि अभी जो है ना वीकेंड्स का टाइम है और अभी इतना ज्यादा भीड़ है ना दर्शन के लिए, उसके लिए मेरे को कम से कम 4 से 5 दिन पहले बुकिंग कराना पड़ता तब मैं दर्शन कर पाता। बट कोई नहीं, मम्मी को लेकर आएंगे, बढ़िया से दर्शन करेंगे, उसका भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। फिलहाल अभी मैं हूँ चेन्नई सेंट्रल स्टेशन में। सुबह मैं निकला था तिरुपति चेन्नई एक्सप्रेस से। वो वाले ट्रेन में मैंने कुछ ब्लॉग नहीं बनाया, बट मैंने कुछ शॉर्ट्स लिया है, वो एंजॉय करो। फिर ये वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, तो देख लो, ये अपना ट्रेन है 20643 कोयम्बतूर वंदे भारत 2:25 पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ऑलरेडी शायद आ चुका है। तो जाते हैं अपने ट्रेन के पास। होप कि आप लोगों को ट्रेन का शॉर्ट सब अच्छा लगा हो। हाँ जी, आज मैं वापस से वंदे भारत पे जर्नी कर रहा हूँ और आप सोच रहे हो कि क्या मोहित भाई एक ही टाइप का वंदे भारत का ब्लॉग सब दे रहे हो। देखो भाई, मैंने सोच के रखा है जितना भी वंदे भारत अपने इंडिया में आएगा, मेरा प्लान है सभी को कवर करने का। तो एक एक करके ट्राई करेंगे, एक साथ तो नहीं हो पाएगा, एक एक करके ट्राई करेंगे सभी वंदे भारत को कवर करने का। जाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, दिखाते हैं आपको न्यू वंदे भारत। और एक बात तो मैं बोलूंगा, पता नहीं क्यों मेरे को ये जो चेन्नई सेंट्रल स्टेशन है ना, पूरा अपने हावड़ा स्टेशन जैसा लगता है। ये अपना देखो, ट्रेन का खाना सब जा रहा है, वंदे भारत। तो ये देख लो, अभी मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे और यहाँ खड़ी है अपनी ट्रेन MGR चेन्नई सेंट्रल कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस। इसी से मैं जाने वाला हूँ अभी कोयम्बटूर। और अभी भी देख लो, लोग इसके साथ फोटोज वीडियो सब बना रहे हैं, इतना क्रेज है अभी इस ट्रेन का। वैसे मेरा जो बुकिंग है ना वो एग्जीक्यूटिव क्लास में, कोच का इंटीरियर वगैरह तो आपने देखा ही होगा। मेरा प्लान है रूट दिखाने का, स्टेशन दिखाने का और सबसे मेन सर्विस कैसा मिलता है ये भी दिखाऊंगा। चलो जी, जाते हैं अपने कोच के अंदर। ये जो वंदे भारत है ना, टोटल 8 कोचेस के साथ चलता है, जिसमें 7 चेयर कार है, 1 एग्जीक्यूटिव क्लास है जिससे मैं जाने वाला हूँ और इसका सर्विस भी आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि चेयर कार का सर्विस मैंने आपको दिखाया था सिकंदराबाद तिरुपति वाले में। और ये अभी आया है कोयम्बतूर से, ये अभी वापस चेन्नई से कोयम्बतूर जाएगा। ऑलराइट, तो देख लो, ये अपना एग्जीक्यूटिव क्लास है, जाते हैं अंदर। और कुछ मुझे नया भी दिख रहा है यहाँ पे, दिखाते हैं आपको भी। ये क्यों रखा हुआ है पता नहीं मुझे, चेक करते हैं, बता देंगे बाद में। बाय द वे, ये अपना एग्जीक्यूटिव क्लास, सीट नंबर क्या है अपना, अपना सीट है 37-38, ये अपना सीट है देख लो। और ट्रेन जाएगा इस वाले साइड, हमारा सीट इस साइड है, बट कोई नहीं, ये सीट को आप पूरा रोटेट भी कर सकते हो। वैसे ये जो है ना, आप बोल सकते हो ये इंडिया का सेकेंड मिनी वंदे भारत है। ये जो कोयम्बतूर वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसका जो ट्रेन नंबर है 20643 है। और इस वाले वंदे भारत का जो चेन्नई सेंट्रल से डिपार्चर टाइम है ना, वो दोपहर के 2:25 में है और कोयम्बतूर हम लोग पहुंचेंगे रात के 8:15 में। यहाँ अपना वंदे भारत तो है ही, और सामने में देख लो KSR बेंगलुरु MGR चेन्नई सेंट्रल शताब्दी भी खड़ी है। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जब मैं लास्ट टाइम आया था चेन्नई। और ये तो अपना है ही वंदे भारत। तो ये वाले ट्रेन से हम लोग टोटल कवर करने वाले हैं 495 किलोमीटर, वो भी 3 हॉल्ट के साथ 5 घंटे 50 मिनट में। और अगर मैं बात करूँ वॉशरूम का, तो भाई देख लो, वॉशरूम सब सेम ही होता है। एक वॉशरूम जो होता है C1 में होता है, वो वॉशरूम में दिखाऊंगा, वो थोड़ा अलग होता है। ये सोप डिस्पेंसर है, बताओ 2 दिन हुआ नहीं ओपनिंग का, इसको तोड़ दिया गया, वो भी ये E1 है भाई, चेयर कार्ड नहीं है। सोचो अब आप क्या बताओगे, क्या हाल है। ये काम कर रहा है हैंड ड्रायर तो काम कर रहा है, सोप डिस्पेंसर काम नहीं कर रहा है, ये ऑटोमेटिक वाला था, बाकी ठीक है, मिरर भी क्लीन है। ऑलराइट, अभी मैं अपनी सीट पे तो बैठ गया हूँ और इसमें कुछ अलग से रिव्यू करने जैसा नहीं है। आपको ही पता है सभी वंदे भारत एक ही जैसा होता है, बस फर्क होता है रूट का, सर्विस का, ये सब फर्क होता है, बाकी चेयर कार का कंफर्ट सेम है, एग्जीक्यूटिव क्लास का भी जो कंफर्ट है सेम है। इसके अलावा मैंने अभी लाइट चेक किया, एक लाइट काम कर रहा है, दूसरा लाइट काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। और वॉशरूम में भी मैंने आपको दिखाया, भाई आप ये मानो या ना मानो, कल इसका कमर्शियल रन था और ये मैं सेकंड डे ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं बहुत बार कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है, ऐसे सिंपल टच में ये चालू हो जाता है। अदरवाइज ये सब तो मैंने आपको दिखाया हुआ है, सामने पॉकेट मिलता है, ये फुट रेस्ट, बस सब वेट है सर्विस का, किस टाइप का सर्विस है, क्या क्या खाने को देते हैं, इस रूट में किस टाइप का खाना मिलता है। हालांकि आपने बहुत सारे यूट्यूबर का वीडियोस देख भी लिया होगा, मेरा भी देख लो।
तो देख लो 2:25 में इसका यहाँ से डिपार्चर टाइम है, 2:24 हो चुका है ऑलरेडी। गेट तो वैसे एक मिनट पहले बंद हो जाता है, अभी तो बंद हुआ नहीं है। ऑलराइट 2:25 तो हो चुका है बट अभी तक गेट क्लोज हुआ नहीं है। चलो जब तक गेट क्लोज नहीं हो रहा है तब तक देख लो इसका जो सबसे पहला स्टॉप है वो है 5:48 में, फिर 6:30 बजे ईरोड, लगभग 7:15 में त्रिपुर और रात के 8:15 में हम लोग पहुंच जाएंगे कोयम्बतूर। सिग्नल तो हो गया है लेकिन गेट अभी तक क्लोज नहीं हुआ। ये गेट भी खुला है और अपना ये गेट भी ओपन है। लो फाइनली क्लोज हो गया गेट अपना। टाइम देख लो 2:26 हो रहा है, मतलब ये यहाँ से एक मिनट लेट निकलेगा। चलो जी ट्रेन अपना चेन्नई सेंट्रल से निकल चुका है। जय माता दी। और ये देख लो ट्रेन निकलते ही सबसे पहले वाटर बॉटल आ गया, थैंक यू। अभी मिलेगा हमें स्नैक्स, तो स्नैक्स में क्या क्या मिलता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वाटर बॉटल से भी पहले न्यूज़पेपर मिला था बट मैं उस टाइम गेट पे था। और ये हमारा अब टिकट चेक होगा। चेन्नई सेंट्रल से निकले हुए बस अभी 15 मिनट ही हुआ है और ये देख लो ये 1:30 तक जाएगा। इसको इस वाले रूट में 1:30 तक का ही परमिशन है। वंदे भारत में आप जब बैठोगे ना आप सोचते होगे क्या ये 1:30 पे इतना खुश हो रहे हो, ये आप एक्सेलरेशन ना महसूस करोगे। आप 131 मैक्स गया है, इसके ऊपर इसको परमिशन नहीं है। और ये जो 130 का परमिशन है ये अप टू जोलार पेटाई तक है। बाकी देख लो अभी 133 भी टच किया था ये। ऑलमोस्ट हमें निकले हुए 45 मिनट्स हो गया और ये देख लो अपना ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन आने में अभी भी 277 किलोमीटर बचा हुआ है। और ये आ चुका अपना स्नैक्स, देख लो काफी कुछ है। एक तो पता नहीं ये क्या है, ना समोसा है ना कचौड़ी है, कुछ अलग ही है ये। साथ में आलमंड्स, चिक्की, वाइट्स सैंडविच, डबल लेयर सैंडविच है यार, बढ़िया लग रहा है। कारा बूंदी, तो ये अपना स्नैक्स आया है जिसमें से ये सैंडविच और ये ट्राई करके बताने वाला है, तो टेस्ट करते हैं बताते हैं कैसा है। तो ये जो है ना ये बड़ा ही है, देखकर तो बढ़िया लग रहा है, ट्राई करते हैं, अच्छा लग रहा है ये। चलो भाई समोसा कचौड़ी से हटके कुछ तो मिला, ये अच्छा है। बाकी आज का सैंडविच भी बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, ये भी टेस्टी होगा, अच्छा सैंडविच है। सबसे बड़ा बात है ना ब्रेड भी फ्रेश है, ये दोनों का दोनों आइटम ही काफी अच्छा है। सिंपली स्नैक्स काफी अच्छा मिला हमें, अब देखते हैं इसके बाद क्या मिलता है। कॉफी के लिए मैंने बोला हुआ है वो आता है तो वो भी दिखाता हूँ आपको। और अभी कोई तो स्टेशन आने वाला है लेकिन हाँ अभी अपना स्टेशन दूर है। चलो स्नैक्स हो गया अपना कम्प्लीट और ये आ गया हमारा कॉफी, चाय कॉफी सब कुछ आया हुआ है। चाय पीना है कॉफी पीना है पक्का? तो देख लो मेरा आ गया ये कैपेचिनो, तुम्हारा दिखा हुआ है चाय कार्डमम, इसका इलायची चाय है, मेरा ये कैपेचिनो। जब तक मैं अपना कॉफी एंजॉय कर रहा हूँ तब तक आप लोग बाहर के नज़ारे एंजॉय करो। देख लो ये वॉशरूम है इनका, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना ये देखो, देखा आपने कितना लग्जोरियस है ये। बेसिकली जो है ना जैसे कोई हैंडीकैप है उनके लिए है ये, मेरे को बहुत सही लगा। ये बटन में ऐसे दबा दो गेट क्लोज, इसी की बात कर रहा था। पहला वाला कोच भी देख लो थोड़ा डिफरेंट होता है, ये वाला जगह पूरा ही खाली होता है, सीट्स भी कम होता है इसमें। इसका जो पहला स्टॉप है ना वो है 336 किलोमीटर बाद, लगभग 3.5 घंटे से हमारा ट्रेन चले जा रहा है, 13-14 किलोमीटर रह गया है और वो भी बस 2 मिनट का हॉल्ट है। और अभी देख लो बाहर क्या प्यारा सनसेट हो रहा है। फाइनली अभी हमारा पहला स्टॉप आ गया है सेलम। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सेलम रेलवे स्टेशन और यहां अपना ट्रेन आया है 14 मिनट डिले और यहां पे बस इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, तो ज्यादा देर बाहर नहीं रहते भागते अंदर। भाई गेट बंद हो जाएगा फंस जाओगे, 2 मिनट का हॉल्ट है। यहां पे अपना डिनर बोर्ड हो गया है देख लो, वैसे जर्नी काफी स्मूथ रहा हमारा। यही अपना जो पहला हॉल्ट है ना वो काफी देर बाद आया, लगभग 336 किलोमीटर बाद सेलम रेलवे स्टेशन। सेलम स्टेशन से अपना ट्रेन निकल चुका है, अब इसका जो नेक्स्ट स्टॉप है वो ईरोड है। इसका एक्सेलरेशन देखा आपने, स्टेशन से निकलते ही पूरा पिकअप, जैसा मेट्रो होता है ना वैसा एक्सेलरेशन है इसका। हाँ जी तो
सेलम स्टेशन से निकलते ही अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है, 6:30। ये अभी हमें मिल चुका है सूप, वही पैकेट वाला सूप है। बाकी अभी जो नेक्स्ट स्टेशन है वो है इरोड, जो कि यहाँ से लगभग 21 किलोमीटर दूर है, और साथ में ये ब्रेड भी है। बाकी यही अपना सूप पीते हैं। फाइनली अपना ट्रेन पहुंच चुका है इरोड, और यहाँ इसका पहुंचने का टाइम था 6:30 बजे का, मतलब 6:32 का, और ये आया है 6:51 में। मतलब ये जो वंदे भारत है 19 मिनट डिले चल रहा है, और इरोड में इस वंदे भारत का 3 मिनट का हॉल्ट है। वैसे सूप मैंने ट्राई किया, मजा आ गया, उससे भी अच्छा था ब्रेड बन जो भी था, बहुत ही बढ़िया था, वो बहुत ही फ्रेश था, मजा आ गया खा के। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं त्रिपुर, और यहाँ अपना ट्रेन आया 18 मिनट लेट, और यहाँ भी इसका बस 2 मिनट का हॉल्ट है। तो देख लो ये त्रिपुर रेलवे स्टेशन, सिंगल पर्सन था। अभी एक पैसेंजर थे जस्ट हमारे बाजू में ही बैठे हुए थे, वो नीचे उतरे, इसलिए मैं इसलिए एकदम सोच समझ के उतरता हूँ, वो भी एकदम गेट के पास रहता हूँ, मैं एकदम टाइम से पहले अंदर आ जाता हूँ, भाई बाहर रहना ही नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे को वो सिंगल थे या फैमिली के साथ थे, सर सिंगल थे, साइड में बैठे थे वो। मैंने कोशिश किया रोकने का, रुका नहीं ट्रेन। बाकी तो फिर अब तो ट्रेन निकल गया, स्टेशन से बाहर चला गया। सभी स्टाफ से भी पता चला ऐसा रोज हो रहा है, कोई ना कोई रोज बाहर रह जा रहा है, छूट जा रहा है। भाई देखो अगर आप आ रहे हो उस ट्रेन में जर्नी कर रहे हो, ऑटोमेटिक डोर है, 2 मिनट का हॉल्ट है। अभी देख लो छूट गए हैं वो, पता नहीं उनका लगेज है, सामान है, कोई देखने वाला भी है कि नहीं है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। वैसे भी अब त्रिपुर से निकलने के बाद अब अपना फाइनल डेस्टिनेशन आ जाएगा कोयम्बतूर। फिलहाल अभी डिनर सर्व होना भी स्टार्ट हो गया है, दिखाते हैं डिनर में क्या मिला है हमें। ऑलराइट, तो देख लो चिकन वाला थाली पहले ही मिल गया, वेज वेज। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो देख लो अभी 7:42 हो रहा है, लगभग 8:15 तक हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे कोयम्बतूर जंक्शन। और ये मैडम का नॉनवेज तो पहले ही आ गया था, बाकी चिकन ठीक लग रहा है यार, कम मसाला वाला चिकन लग रहा है। ट्राई करके देखो, और ये क्या चपाती है क्या? अरे भाई साहब मस्त बनाया था, एकदम पतला सा रोटी है, देखो बहुत बढ़िया यार। चलो एक काम करते हैं, दिखाते हैं आपको वेज में क्या मिला है मुझे, और खाना भी टेस्ट करके बताएंगे उसका टेस्ट कैसा है। तो देख लो वेज में मुझे ये मिला है, पनीर है, चावल है और रोटी, और पनीर भाई साहब बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार दिखने में, पता नहीं टेस्ट कैसा है, टेस्ट करते फिर बताते कैसा है ये। चिकन कैसा है? बढ़िया है ना। रोटी देख लो कितना, एक तो एकदम सॉफ्ट है ये और पतला भी है, ये यार मजा आएगा मेरे को लग रहा है पनीर के साथ खाने में। ये रोटी और पनीर और कुछ भी नहीं, इतना बढ़िया है, बहुत ही टेस्टी खाना है। ये साथ में गुलाब जामुन भी है। तो देख लो भाई प्लेट देखकर आइडिया लगा लो खाना मुझे कैसा लगा इनका, भाई एक नंबर खाना, मजा आ गया। पनीर देख लो मैंने 2-2 बार ले लिया है, बहुत अच्छा लगा। और अभी ये यहाँ पे देख लो आइसक्रीम देकर चले गए हैं। बाकी डिनर हो गया अपना कंप्लीट, बस थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने भी वाले हैं कोयम्बतूर, और यहाँ से बस 11 किलोमीटर का जर्नी रह गया है, तो समेटना भी होगा, बहुत कुछ बिखरा हुआ है इधर उधर। फाइनली मेरा डिनर हो गया कंप्लीट। वैसे हम लोग 10-15 मिनट मेरा ट्रेन डिले चल रहा था, लेकिन कोयम्बतूर पहुंचते हमारा जो ट्रेन है नो डिले हो गया, अभी एकदम परफेक्ट टाइम पे चल रहा है ट्रेन अपना। अभी टाइम देख लो 8:09 हो रहा है, 8:15 में इसका पहुंचने का टाइम है, और स्टेशन बस 1 किलोमीटर दूर है। वैसे मैं बता दो ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसका जो मैंने टिकट है ना, मतलब तत्काल में बुक किया था, इसलिए मैंने 2 टिकट के लिए पे किया 6,044 रुपए, 5,200 रुपए के आसपास टिकट का लगा है, और लगभग 730 से 738 रुपए के आसपास फूड कैटरिंग चार्जेस लगा है। कुछ ये टिकट का रेट है जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर कवर करते हैं, वो भी 5:50 में। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन, और ये टाइम देख लो एग्जैक्ट 8:15, इसको बोलते हैं भाई साहब पंचुअलिटी, एकदम टाइम पे। जब मैं विवेक एक्सप्रेस कर रहा था ना, तब इस स्टेशन से होते हुए गया था, वो पूरा मेमोरीज सब याद आ रहा है मुझे। फाइनली जो मेरा जर्नी है वो कोयम्बतूर तक था, इसके आगे का थोड़ा घूमने उमने का प्लान है, देखो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। बाकी अभी तो जा रहे हैं, होटल रूम लेना होगा मुझे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कल कहाँ निकल सकते हैं। होप कि आप लोगों को मेरा ये वंदे भारत का जर्नी अच्छा लगा, और अभी बैक टू बैक बहुत सारा वंदे भारत का ब्लॉग आ गया, अब क्या करें, इतना नया नया ट्रेन सब आ रहा है ना, और अभी 2-3 वंदे भारत का और भी इन्विटेशन आया हुआ है, बट मैंने मना किया है अभी, क्योंकि अभी बैक टू बैक बहुत सारा वंदे भारत का ब्लॉग आ गया। कोई नहीं, चलो अभी आसपास में एक्सप्लोर करते हैं, उसका भी ब्लॉग आपको मिलेगा। फिलहाल ये वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ, होप कि आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर यहाँ तक देख लिया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।